डियर स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको जो ट्वेल्थ क्लास का डिटरमिनेंट्स वाला पार्ट है, सारणिक वाला, उसके पार्ट्स में मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाला हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड, कोई सा भी हो, क्वेश्चन में वही ले रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बिल्कुल सिंपल छोटे क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन दे रखा है 5xx2 इक्वल टू 4371। ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, सारणिक का, जो चौथा चैप्टर है आपका। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्रॉस कर लेना है मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का 2 से करें तो ये आपके 10, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर 4 इंटू 1 तो ये 4, माइनस 7 इंटू 3 तो ये 21 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें, इसके अंदर अभी अपन कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ माइनस कर लें आप तो ये कितना बच रहा आपके, ये बच रहा है 17 माइनस का। अब इसको आगे बढ़ाएं तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 17, और ये माइनस का 10। इससे आगे बढ़ें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 27 बन जाएगा, और इससे आपके ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम, क्योंकि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। क्लियर? बस अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है सोल्व करने में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 3 बना लें, ताकि ये इससे एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस रूट लगाया 9 इंटू 3, तो इससे आपके एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस 3 रूट 3, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो एक सिंपल छोटा सा काम करते हैं, अपने को अगर 1 नंबर या 2 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत ही सस्ता सौदा है। थैंक्स।